बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, सलामत रहे दोस्ताना हमारा। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आज आपको एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ। इस तरह की वीडियोस बहुत सारी आएंगी जिनके अंदर आपको फैक्ट और रूल्स मिलेंगे इंग्लिश के, जिससे कि आप आराम से एरर्स को फाइंड कर सकते हैं और आपकी इंग्लिश में काफ़ी ज़्यादा नॉलेज भी बढ़ेगी। पहला मेरा जो कॉन्सेप्ट है वो बच्चों ने पूछा, सर जी एपोस्ट्रोफीज का खेल बता दीजिएगा, क्योंकि ज़्यादातर हमें आपके दिमाग में यही रहता है कि एपोस्ट्रोफीज हमेशा लिविंग के अंदर लगता है। ये बात सही भी है, लेकिन अब इस तरह के कुछ नाउंस भी इस तरह के होते हैं जिनमें हमें एपोस्ट्रोफी एस लगाना होता है, ठीक है। तो बिल्कुल भी फिक्र मत करिएगा, एपोस्ट्रोफी एस आज के बाद आप ये समझ जाएंगे कि कहाँ कहाँ लगता है, क्लियर है ना। चलेगा फ्रेंड्स, इससे पहले 5-6 वीडियोस में इसी तरह की करवा चुका हूं जिनमें आर्टिकल क्लियर हो चुका है और टॉपिक वाइज भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, फैक्ट भी बताया करूंगा ताकि आपकी इंग्लिश पर और अच्छी पकड़ हो जाए। चलेगा, ये चीजें थोड़ा आप पढ़ लीजिएगा। जैसे देखो एपोस्ट्रोफी एस का मतलब अगर हिंदी में बोलूं तो इसका मतलब होता है का की के, होता है कि नहीं होता, रिलेशन बताता है। यानी कि इसमें क्या होता है कि दो नाउन होते हैं, एक नाउन ये है और एक नाउन ये है, ठीक है। एक और बात याद रखना कि एक सेंटेंस के अंदर दो नाउन एक साथ नहीं आ सकते। जैसे मैंने बोल दिया कि आई वॉन्ट टू मीट रोहित मदर, तो ये तो गलत हो जाएगा, मतलब मैं रोहित मदर से मिलना चाहता हूँ, तो यहाँ पर दो नाउन हो गए ना और दोनों ही अलग हैं। तो इसलिए हमें ऐसा करना पड़ेगा कि आई वॉन्ट टू मीट रोहित्स मदर, यानी कि मैं रोहित की माँ से मिलना चाहता हूँ, क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं है। तो इसका मतलब काकी के होता है, ठीक है। तो जहाँ भी लगेगा वहाँ काकी के हो जाएगा, मैंने यहाँ लगा दिया तो यहाँ पर की हो गया, यानी रोहित की माँ, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। तो ये दो नाउन होते हैं, तो पहले वाला नाउन कॉमन नाउन भी हो सकता है, साधारण नाउन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में से ये डाउट निकल जाना चाहिए कि भाई लिविंग आएगा तभी हम एपोस्ट्रोफी एस लगाएंगे। कुछ मैंने लिख दिए जो पेपर में आ जाते हैं। सबसे पहले मैंने लिखा है कि टुडेज न्यूज, यानी कि आज की न्यूज। बच्चों याद रखना, जब भी कभी डेज वगैरह से कभी टाइम के बारे में यदि पहला वाला नाउन यदि दे रखा है तो आप उसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, क्लियर है। संडेज यानी कि आज की न्यूज, आज की न्यूज, संडे की न्यूज तो लगा सकते हैं, ठीक है। संडेज लीव यानी संडे की छुट्टी, संडेज हॉलीडे, ये चीज है। आगे देखो सेकंड वाला लिख रहा है कि डॉग्स कैनल यानी कि कुत्ते की कैनल, ठीक है। तो देखो कुत्ता एक लिविंग है। अब ये समझ में आप जो है समझ जाना कि इस तरह के नाउन कोई कॉमन नाउन भी हो सकता है। अब देखो ये जो डॉग है वो क्या है, एक कॉमन नाउन ही तो है कि नहीं है। तो वो प्रॉपर नाउन भी हो सकता है, जैसे प्रॉपर का मतलब होता है जैसे आपका नाम है प्रवीण, तो ये प्रॉपर ही तो हो गए आप, तो इस तरह से। अब ये काउ है, काउस टेल यानी कि गाय की टेल। अब ये समझ में आ रहा होगा कि ये क्या है भाई, ये कॉमन नाउन है। क्या है ये कॉमन नाउन का मतलब बच्चों, वो होता है जिसमें किसी का नाम नहीं हो और उसके अंदर सारी प्रजाति आ जाए। जैसे मैंने लिखा ना, जैसे काउज, ये काउ जो है वो कॉमन नाउन है। इसके देखो स्पेशल तो नाम नहीं दे रखा, नाम दे रखा होता बसंती, ये ना घोड़ी का, तो वो सब क्या हो जाता, वो एक प्रॉपर नाउन में आता। लेकिन यहाँ पर अगर पता ही नहीं चल रहा, कोई सा भी हो सकता है गाय में से भैंस में से, तो वो सब कॉमन नाउन की कैटेगरी में आता है। बच्चों देखो एक चीज याद रखना, थोड़ा सा मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ये जो दो नाउन होते हैं ना बच्चों, देखो एक ये नाउन है और एक ये नाउन है, ये दोनों ही नाउन सिंगुलर भी हो सकते हैं और प्लूरल भी हो सकते हैं। बट एक बात याद रखना, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि कभी भी सास और ससुर ये एक साथ नहीं आते। बच्चों मैंने क्या बोला कि एपोस्ट्रोफीज का एक रूल होता है कि कभी भी ये सास ससुर एक साथ नहीं आते, क्लियर। सर जी कैसे, जरा हमको समझ में नहीं आया। जैसे देखो मैंने यहां पर लिख दिया कि बॉयज, ये मैंने प्लूरल लिख दिया बॉयज। अब मैंने बोला बॉयज का हॉस्टल, तो मैं क्या करूंगा, आपने सोचा बॉयज यानी लड़कों का, तो बॉयज एपोस्ट्रोफीज का मैंने क्या बोल दिया, हॉस्टल। अब ये चीज हो गया गलत, क्योंकि यहां पर देखो ये सास और ससुर का जोड़ा बन गया ना, और ये हो जाएगा गलत। अगर ऐसा कभी जोड़ा आप कभी देख पा रहे हैं किसी भी सेंटेंस में कहीं पर भी, तो याद रखना कि हम सास को तो रखेंगे, सासू माँ तो रखेंगे ना, क्योंकि सासू माँ अगर बिगड़ गई तो जाहिर है कि प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसलिए हम ससुर साहब को हटा देंगे। कभी भी अगर सास ससुर का जोड़ा बन जाए बच्चों, तो हमेशा हम पीछे वाले को हटा देते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि
आप इस अगर ऑलरेडी एस दे रखा है ना, तो आप ऑलरेडी ये साइन लगा करके इसका मतलब काकी के हो जाता है। लेकिन जैसे देखो यहां पर कोई एस नहीं आ रहा था, जब एस नहीं आ रहा था तो हमने एक्स्ट्रा एस लगा दिया। लेकिन देखो ये जो एस है ना बच्चों, वो बॉय अलग होता है और एस अलग है, तो याद रखना ये एस ऑलरेडी इसमें फिक्स नहीं था, ये हमने लगाया था प्लूरल बनाने के लिए। जैसे सपोज करो किसी का नाम आ रहा है रमेश, तो एस एच आ गया, सपोज करो लास्ट में एस आ रहा है ना, तो अब वो तो ऑलरेडी उसके बच्चों नाम में ही आ रहा है ना एस। जब ऑलरेडी किसी के अंदर फिक्स जुड़ा हुआ एस आ जाए तो आपको एक्स्ट्रा एपोस्ट्रोफी एस लगाना है। जैसे देखो मैं इधर थोड़ा बच्चों समझाता हूं, जैसे मैंने आपसे लिखा, मैं लिख रहा हूं स्पेलिंग रमेश की, ऐसे लिख दी, सपोज करो ये स्पेलिंग है रमेश नाम की, तो मैं इसमें एक्स्ट्रा एपोस्ट्रोफी एस लगाऊंगा, क्योंकि अब ये सास ससुर नहीं बने, क्योंकि ये तो एस ऑलरेडी इस नाम के अंदर ही जुड़ा आ रहा है भैया। लेकिन इस वाले में तो देखो बॉय अलग होता है, क्योंकि अगर मैं इस एस को हटा दूं तो इसका कुछ भी मतलब नहीं होगा, समझ में बात आ रहा है। लेकिन अगर मैं एस को हटा दूं तो इसका मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि भैया एस जो वो एक्स्ट्रा आके जुड़ गई है। तो याद रखना एक्स्ट्रा आकर के जुड़ जाए तब सास ससुर बने, तो ससुर साहब को हटा देना। लेकिन ऑलरेडी अगर एस जुड़ रही है फिर आप एपोस्ट्रोफी एस लगा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। आगे देखो, यहां पर देखो टाइम वगैरह भी आ सकता है, इससे मंथ वगैरह, यानी अ मंथ एब्सेंस, एक मंथ की छुट्टी, एक मंथ का एब्सेंस, ठीक है। आगे देखो अ वीक्स लीव, यानी एक वीक की लीव, तो देखो ये टाइम है और यहां पर आराम से आप इस नाउन को एड कर रहे हैं, यानी कि जोड़ रहे हैं, ठीक है, ये बन रहा होगा। आगे देखो यहां पर कभी वेट, अगर किसी भी देखो यहां पर ये देखो अ टन्स वेट, यानी कि एक टन का वजन, अ ग्राम्स वेट, यानी एक ग्राम का वजन, तो कभी वेट वगैरह है तो इस तरह से आराम से आप जोड़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत आप सबको नहीं होगी। आगे देख लीजिएगा, आगे बता देता हूं कि अ रुपीज वैल्यू, यानी एक रुपए की वैल्यू, ठीक है ना। आगे अ पाउंड्स वर्थ, कभी भी याद रखना, जैसे यहां पर एक करेंसी है ना, इंडिया की करेंसी रुपी है, तो इस तरह से अगर इनके बाद कभी वर्थ आ जाए या वैल्यू आ जाए तो बच्चों आप एपोस्ट्रोफी एस इस करेंसी में आराम से लगा सकते हैं, कोई डाउट तो नहीं है भैया, आ रहा है कि नहीं आ रहा, ओके। थोड़ा सा मैं इसे नीचे करता हूं, अब आप आगे देख लीजिएगा, द ट्रेन्स अराइवल, यानी कि ट्रेन का अराइवल, ठीक है, तो यहां पर आराम से कर सकते हैं ट्रेन का अराइवल, द ट्रेन्स डिपार्चर, ट्रेन का जाना, डिपार्चर हो गया, तो देखो वो ऐसे हो गया। यहां पर प्लेन्स हो सकता है, शिप्स हो सकता है, तो ये आप सबको पता होगा आराम से, ये कॉमन नाउन है और ये सबके बाद में आप एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं। आगे देख लीजिए यहां पर लिख रहा है अ बोट्स क्रू, यानी एक बोट का जो क्रू मेंबर होता है, क्रू समझते हैं ना आप, जहाज पर जो बोट पर रहता है वो सब क्रू होता है, काम करने वाले क्रू मेंबर बोलते हैं उन्हें, तो अ बोट्स यानी एक बोट का। अब जाहिर से देखो ये वाला जो नाउन है वो क्या है, अब देख सकते हैं यहाँ पर कोई जीवित तो है नहीं, लिविंग तो है नहीं, फिर भी लगा रहे हैं, तो ये सारी चीजें आप डाउट में। अ स्टोन्स थ्रो एके फ्रेजल वर्ब है, ये तो एयरफोर्स में पूछी गई थी भैया, यानी कि अ स्टोन्स थ्रो मतलब होता है कि इतना नजदीक जहां से आप आराम से पत्थर को भी फेंक सकते हैं, और वो उस जहां पर आप फेंक रहे हैं वहां जा सकता है, इसका मतलब है कोई भी चीज जो आपके बहुत पास होगी तभी तो आप आराम से पत्थर को फेंक सकते हैं, तो बच्चों ये फ्रेजल वर्ब है। अब आपके समझ में आ गए, अब मैं आपको दो तीन एग्जाम्पल बताता हूँ, देखिएगा। सबसे पहले लिख रहा है कि आई वॉन्ट टू विजिट, यानी कि मैं विजिट करना चाहता हूँ। अब आप एक थोड़ा समझ लीजिएगा कि कभी भी अगर वॉन्ट आ जाए या फिर डिसाइड आ जाए, सबसे ज्यादा यही आती है ना, तो वॉन्ट या फिर डिसाइड के बाद अगर दूसरी वर्ब आ रही है कोई फर्स्ट फॉर्म, तो इन दोनों को जोड़ने के लिए हमें टू लगाना पड़ता है। क्या लगाना पड़ता है? टू लगाना पड़ता है, क्लियर है ना। अगर यहाँ वॉन्ट आ जाए फिर डिसाइड आ जाए बच्चों, तो हमेशा आगे अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो इन दोनों को जोड़ने के लिए हमें टू का सहारा लेना पड़ता है। आगे देखिएगा, चलो इसका मतलब आई के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, कोई एस और यस नहीं आता, मतलब ये वाला हिस्सा हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है, ये भी फर्स्ट फॉर्म है, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म आती है, तो ये भी हमारा सही है। आगे देखो, राम हाउस विच इज, यानी कि आई वॉन्ट टू विजिट, में विजिट करना चाहता हूं राम हाउस। अब एक बात समझिएगा कि यहां पर ये भी एक नाउन है और ये भी एक नाउन है। मैंने क्या बोला था आपको कि एक साथ दो नाउन नहीं आ सकते, अगर आ रहे हैं तो उनका मीनिंगफुल जो है सेंस होना चाहिए, तो मीनिंगफुल सेंस तो यहां पर है नहीं, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे कि आप पहले वाले नाउन में एपोस्ट्रोफी एस लगा देंगे, बन गया ना, यानी आई वॉन्ट टू विजिट में विजिट करना चाहता हूं राम्स हाउस, यानी राम के घर,
मैं राम के घर विजिट करना चाहता हूं, ये बना ना मीनिंगफुल सेंटेंस। तो अगर दो नाउन आ रहे हैं ना बच्चों, तो पहले वाले नाउन में आपको एपोस्ट्रोफी एस मीनिंगफुल सेंटेंस बनना चाहिए, जरूरत के मुताबिक आप आराम से लगा सकते हैं। क्लियर है ना? ओके, आगे देखो विच इज। अब जाहिर है राम के हाउस की बात कर रहा है, और हाउस कैसा है, अकेला है ना। विच इज इसका मतलब है कि वो घर के बारे में बात कर रहा है कि मैं राम के घर विजिट करना चाहता हूं, जो बहुत ज्यादा बड़ा है। अब बड़ा क्या है भैया, घर है ना। तो विच के बाद वही वर्ब आएगी जिस पर सेंटेंस का मीनिंग डिपेंड होगा। तो देख सकते हैं विच से पहले क्या आ रहा है, राम हाउस आ रहा है ना, और डब्ल्यू एच वर्ड से पहले जो भी नाउन आता है उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब आती है। तो हाउस सिंगुलर है, इसलिए यहां पर देखो सिंगुलर, यानी विच से पहले सिंगुलर तो विच के बाद भी सिंगुलर आएगा। क्लियर है ना? अच्छा, जैसे मैं अगर ये बोलता कि आई वॉन्ट टू सी राम्स बुक्स, मैं राम की किताबों को देखना चाहता हूं, तो अगर ये प्लूरल हो गया ना बच्चों, तो इसका मतलब है कि आपको ये विच के बाद यहां पर ये प्लूरल वर्ब ही लिखनी पड़ती। फिलहाल में ये सिंगुलर है, इसलिए मैंने विच के बाद सिंगुलर लिखा। तो बीच में अगर डब्ल्यू एच आ जाता है, तो उस डब्ल्यू एच से पहले जो भी नाउन जैसी भी कंडीशन में होता है उसके अकॉर्डिंग ही वहां का वर्ब आता है। तो विच इज वेरी बिग, एक कोई दिक्कत नहीं है, ये एकदम सही है। ओके, आगे देखिएगा, द वर्कर्स यूनियन हैज डिसाइडेड द रिसोर्ट स्ट्राइक टू प्रेस हिज डिमांड। समझो, जल्दी सोचो क्या है, यानी कि वर्कर्स की यूनियन जो थी ना, उसने डिसाइड कर लिया था। पहली बात अब ये समझेगा, पहले वाले हिस्से में क्या कोई गलती नजर आ रही है क्या आपको? सर जी हमको नजर आ रही है, क्योंकि देखो एक तो नाउन ये है और एक नाउन ये है, कलेक्टिव नाउन है। तो अब ये समझिएगा, जब दो नाउन आ जाते हैं तो इनका मीनिंगफुल सेंटेंस बनाने के लिए आपको एपोस्ट्रोफी एस लगाना पड़ता है। तो लगाए दो राम राम जी, एपोस्ट्रोफी एस बन गया, लग गया ना, और ये हो गया गलत। ऐसे सर जी क्यों? क्योंकि देखो सास और ससुर बन गए, नहीं बन गए, सास ससुर जी बन गए ना। तो ऐसे केस में मुझे क्या करना पड़ता है, क्योंकि देखो वर्कर के अंदर आपने एक्स्ट्रा एस जोड़ा है, इसका मतलब अगर एक्स्ट्रा एस लग रहा है ना बच्चों, तो आपको ससुर साहब को हटा देना पड़ता है। तो आप यहां से हटा देंगे, मात्र ये साइन लगा देंगे बस ये वाला, और इसका मतलब ही क्या हो जाएगा, काकी के, यानी वर्कर्स का यूनियन। अब इसका मतलब है कि एपोस्ट्रोफी एस के बाद जो ये नाउन आ रहा है ना बच्चों, इस नाउन के ऊपर डिपेंड करती है वर्ब। जैसे राम्स हाउस, राम का घर, ये सिंगुलर था, तो देखो ये वर्ब सिंगुलर आ गई। अब यूनियन तो एक पूरा यूनियन है ना, और कलेक्टिव नाउन को सिंगुलर मानते, तो यूनियन सिंगुलर है, इसलिए मैंने यहां पर हैज लगाया। बच्चों ये मत सोचना सर जी वर्कर्स आ रहा है, नहीं भाई, काम करने वालों का एक यूनियन है, एक यूनियन है, ठीक है ना। तो जब एक यूनियन है तो जाहिर है कि भैया वहां पर सिंगुलर वर्ब भी लगाना पड़ेगा। तो यहां पर जो वर्ब आएगा वो एपोस्ट्रोफी एस वाले इस नाउन पर डिपेंड करता है। तो यहां पर हैज आ गया। अब मुझे पता है कि भाई हैज के बाद क्या आता है, थर्ड फॉर्म, तो देखो थर्ड फॉर्म भी दे रखा है, ये भी हमारा एकदम सही है। आगे देखो टू, टू के बाद फर्स्ट फॉर्म, ये भी ठीक है, टू रिजॉर्ट स्ट्राइक, एकदम सही है। मतलब वर्कर्स का यूनियन है ना, उसने एकदम डिसाइड कर लिया कि भाई रिजॉर्ट को स्ट्राइक करेंगे टू प्रेस हिज डिमांड, उनकी क्या है, उनकी डिमांड को प्रेस करने के लिए। अब ये समझिएगा आपकी टू प्रेस हिज डिमांड, कि भाई उनकी जो डिमांड थी वो प्रेस कर दिया था, इसीलिए उन्होंने स्ट्राइक कर दिया। तो अब ये क्या हो जाएगा, टू के बाद देखो फर्स्ट फॉर्म आ रही, एकदम सही है। और हिज क्यों आया, अब ये समझने की बात है, हिज क्यों आया, एक बात मैं बताऊं आपको, जब वर्ब आपकी कैसी आई है, सिंगुलर आई है ना, तो इसका मतलब है कि जो ये पजेसिव आएगा ना बच्चों, ये भी कैसा आएगा, सिंगुलर ही आएगा। क्यों, एक बात सुनो, वर्कर्स की यूनियन ने डिसाइड किया था, तो वर्कर्स की यूनियन यानी एक हो गई, तो वर्कर्स की जो यूनियन एक है उसी की तो डिमांड को प्रेस किया गया है, तो इसीलिए मुझे एक के साथ हमेशा हम हिज लगा देते हैं। कलेक्टिव नाउन में हमें हिज लगा दीजिएगा तो वो बेटर रहता है। तो आई होप आप सबके समझ में आ गया होगा कि किस किस तरीके की एरर्स जो है यहाँ पर आप सबको देखने को मिलेंगे। चिंता मत करना, बहुत सारी चीज़ों को मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से बताता रहूँगा, और मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ, वीडियो को देखने के लिए। अच्छा, एक चीज़ और मैं थोड़ा डाउट कर देता हूँ, मैंने अगर यहाँ पर लिखा कि रोहित्स बैग, भाई सब दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, रोहित्स बैग यानी रोहित का बैग, क्लियर है ना। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसे आप आगे लाओ दा लगा करके, यानी कि द बैग, एपोस्ट्रोफी एस का मतलब क्या होता है, काकी के होता है ना, तो हम इसे हिंदी में वैसे दूसरे वर्ड में क्या बोल सकते हैं, ऑफ, और इस वाले को आप पीछे भेज दो, यानी कि रोहित, यानी कि आप इसे ऐसे भी बोल सकते हो, यानी द बैग ऑफ रोहित, यानी कि रोहित का बैग। ओके, कोई डाउट तो नहीं है,
अरे आ गया ना समझ में, चिंता मत करना, बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट हैं, बहुत अच्छे अच्छे रूल्स हैं जिनको मैं आराम से आप सबको पढ़ाऊंगा समझाऊंगा। मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। बच्चों अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक जरूर, वो भी अपने मन से लाइक करना। वैसे लाइक वैक तो यार बहुत ज्यादा संख्या में मिल रहे हैं। ठीक है चलो आप पढ़ो, इसके बाद मुझे जैसे टाइम मिलेगा तो मैं प्रोनाउन का एक और टॉपिक वाइज भी आप सबको कराऊंगा। ठीक है नोट कर लेना, मंथन से पढ़ना और अपने दोस्तों को भी इन्फॉर्म कर देना कि एयरफोर्स नेवी के लिए जो भी एग्जाम्स आने वाले हैं उन सब के लिए बैचेज स्टार्ट हो चुके हैं। Thank you so much.